देवों की देवभूमि उत्तराखंड, जहां कहा जाता है कि राक्षसों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसी देवभूमि में अब कलंकित मानव रूपी राक्षस दहेज लोभी के रूप में जन्म ले रहे हैं और ऐसे ही दहेज लोभी राक्षस नजर आए हैं राजधानी देहरादून के विकास नगर स्थित जीवनगढ़ में, जहां पिछले करीब 15 दिनों से उत्तराखंड की एक बेटी को बंदी बनाकर दहेज लोभी सास और उसकी ननद ने रखा हुआ था। जानकारी के अनुसार पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए रोटी बनाने वाले तवे को गर्म करके जलाया जाता था। पीड़िता जब मिली तो हालत इतनी बदतर थी जिसे देखकर हर किसी को रोना आ जाए। को ये भी बता दें कि टिहरी प्रताप नगर के ग्राम रिंडोल मदन नेगी पट्टी धारमंडल निवासी प्रीति को उसके ससुराल जिला देहरादून स्थित विकास नगर के जीवनगढ़ में विगत 15 दिनों से उसकी सास और ननन द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की जा रही थी और उसको गर्म तवे से जलाया जा रहा था। शरीर पर पड़े निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीड़िता के संग बेहद अत्याचार किया गया है। लंबे समय से सास और ननंद मिलकर दहेज के लिए ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन अब की बार इनका इरादा इस बहू को खत्म करने का ही था। वहीं बीते दिनों काफी समय से बेटी से फोन पर बात नहीं होने के चलते जब पीड़िता की मां मौके पर पहुंची तो उसे बेटी के संग हो रही दुर्गति का पता चला, जिसके चलते मां अपनी बेटी को घर यानी कि मायके ले आई और मदद की गुहार प्रशासन से लगाई। सोशल मीडिया पर मुद्दा छा जाने के बाद इस पर कार्रवाई की गई और टिहरी एसपी ने भी इस पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान की सुसंगत धाराओं 498, 333, 506, 307 और 3/4 पर अपराधियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है और विधिक कार्रवाई हेतु विवेचना लगातार जारी है। ये जो जलाया किसी से जलाया तेरे को ससुर जब घर आते तो वो भी मार पिटाई करता ससुर जीवनगढ़ नियर बाई वो है वहाँ पे पति दिन मारता तुझे मानसिक उत्पीड़न दिया गया, मारपीट की गई, लगातार काफी समय से चल रहा था। अभी बताया जा रहा है कि जैसे इनिशियली अभी आए हैं तो बता रहे हैं 15 दिन से इनको तवे से जलाया गया और बहुत गहरे बर्न मार्क्स हैं, तो अभी इनका मेडिकल हो रहा है, इसमें एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकता है हम इसमें एक्यूज को अरेस्ट करके